हुई। जी आप भी हमारा हैं, पाकिस्तान भाई तो सुना ए, तुभी 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 तुम जैसे लोगों की वजह से मेरी खराब रहती है सर आप हर वक्त क्यों उकताए हुए रहते हैं ओ ये शेर पे ही सादर आता है मुझे तो लगता है कौन सा आदत ही बना ली है तुमने मुनीर अपनी

ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸਨ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈ ਕੇ ਵੇਖਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਹੈ ਸਨ ਭਾਈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਤੁਮ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਹਾਂ ਤੁਮੇ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਕੌਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਸੀਬਾ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ इस तरह के हालात में आपको कौम को थोड़ी उम्मीद नहीं देनी चाहिए आप तो खुद इतने डिप्रेस रहते हैं ओए वीना कितनी उम्मीद बंदा दिलाए एक दफा हो दो दफा हो चलो तीन दफा हो भाई जान एक महीना ठहर जाओ सब मसले खत्म हो जाए। गिले मुका अच्छा आपको यकीन है कि मियाँ साहब के आने से मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे इन शाह बेफिक्र जाओ अच्छा मुल्क तरक्की करेगा पता है टिकटा बड़िया महंगी हो गई किसकी है पहली गल तो हुत नहीं किसकी है ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਏ ਇਹ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬਣੀਏਗੀ ਅੱਛਾ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆਵਾਮ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਭਾਜੀ ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਡੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੋਲਾਨਾ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜਨ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਡਿਆ ਭਾਈ ਮੈਂਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਵੀ ਨਾ पहली दफा देखिए कोई हकूमत जिसकी हकूमत है और वही रो रही है, और इनका वजीरे कहता है अगर मेरे मुतालबात पूरे ना हुए तो मैं रिजाइन दे दूंगा ये जाओ येगा जिसे तो वापस नहीं आ सकना की हमारे रवैयों में जो जहालत है तालीम उसका कुछ बिगाड़ क्यों नहीं सकी अभी तक बात ये बीबी बाई डिफॉल्टे चीज हमारी रगो जहालत और सिर्फ जालत बद दयानती बद अखलाकी बदबोशी करप्शन निजाम एक दूसरे की गर्दन पे हाथ एक दूसरे की गर्दन पे छुरी एक दूसरे की गर्दन पे तलवार बड़ी गल जो हसन भाई त्याई मार देने चप करो मेरा आशिक नहीं बनना तुम्हें मुझे बात करने दो अच्छा जी जो बात गुस्से की करो बीच में आशिक बनने आ जाते हो इन जैसे लोगों की वजह से हसन भाई ये औरत है वो तुम्हारी बात कर रहा हूँ इन जैसे लोगों की वजह से आज मुल्क इस पे कि दो वक्त की रोटी गरीब को खाने को नहीं मिल रही वो उठो अपने हक के लिए हसन भाई ना तो पियो नहीं उठ सकता सैलरी लेंदे ने, ने, ने ये हिलके बखान ना मैं दस ना जी आटा लैन गया वहां तो उन्होंने क्या जी शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखाओ ट्रक आएगा कल ते आके आटा ले जाना फेर? मैं इंतजार किया अगले दिन मैं गया वहां ਰਾ ਕਾਇਆ ਲੰਮੀ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਓਏ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਹ ਜੇ ਇਹ ਕ੍ਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਵਾ 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 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਵੱਡੇ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੇ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ वाह वाहिए <laughs> पड़ेगा। पड़ेगा पार्टी न बल्कि मिल के सिर जोड़े मिया साहब जोड़े छोटे मियां साहब जोड़े यार एडे महंगे पहले लुआ खान साहब वाल उपाय यार जोड़ो तो सही अगे तो वो खल को नकार खुदा समझो और लगो उठो उठो अपने हक के लिए उठो उठाओ हक मांगने से नहीं छेड़ने से मिल जाता चलो चलो उठो चलिए चलो।, चलो।, चलो क्या हो ने क्या उठो बस तिरसठ सालों से हम इस मुल्क में ये जुल्म देखते आ रहे बस ऐसे गलदा मैं तोडा आशिक हां मेरा आशिक नहीं बनना मेरी तारीफ नहीं करनी मुझे जहर करता है ये सब आप खड़े करके खुद बैठ गए हैं आप सर ओए जाए लो मैंने पूरे पाकिस्तान की मिसाल दी थी तो तुम्हारा तो पहला कॉलम छपिया सी ना मेरे वाले सब बहुत रोहसन उठे तुसी ऐसी ऐसी लाइनें लिखिया सी ना मैं तोनु दस नहीं सकदा अच्छा खातून मेरा आपसे एक सवाल आप कुछ इतनी शिकायत है, है तो यहाँ पे कोई शिकायत दर्ज करवाई है हमें सपोर्ट किया जाता है एक कम्पलेंट सेल बनाया गया है लेकिन वीना हम तकरीबन नौ मिलियन ओवरसीज पाकिस्तान अगर वो एक कंप्लेंट सेल है तो कितनी कॉल्स आप ले सकते हैं वो भी काम नहीं कर रहा बिल्कुल सही कह रही एक ईमेल एड्रेस दिया गया है हम लोग मेल्स कर करके थक गए हैं हमें कोई रिस्पोंड नहीं किया जाता ओ बाजी पहली गवर्नमेंट खत्म हो गई है

बाजी तुसे खुद बोलो तो आड़ा इमीग्रेशन से मेकअप फड़ा गया आप तो सो तो आड़ा गड़ा दांत टूटा है वीना मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी आवाम बहुत टैलेंटेड है अगर इनको सही तरीके से गाइड किया जाए लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही प्रदेशन बाजी दा हक है इधर रख प्रदेशन बाजी दा हक है इधर रख मैंने मेरी पता की गल है इन्होंने काफी मुल्कों के वीजा रिजेक्ट हुए हैं ना को इन्होंने अपनी प्रोफाइल हैगी ठीक है ना इन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट हैगी इस बंदे की बैंक स्टेटमेंट बैंक निकलते डिगे पहुंचे कार्ड ने को हथ बन लेने <laughs> मैंने जलील कराने एक दिन इन्हें कार्ड भाजी पा पाया मशीन चो दो हथ निकले उन्हें गिरेबाह फल लिया एक इधरों थप्पड़ एक इधरों मामा की जमा कराया

ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਛੋੜ ਦੋ ਬਾਪ ਨੇ ਕਹਾ ਕਾਫੀ ਛੋੜ ਦੋ ਔਰ ਆਪ ਕਹਤੇ ਨੂੰ ਲਿਖ ਛੋੜ ਦੋ ਓਏ ਬੀਬੀ ਬਾਤ ਹਸਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਸਰੀ ਹੈ ਸਰ ਸਰ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜਾ ਪਾਣ ਦੇ ਓਏ ਇਹ ਮੁਲਕ ਤੂੰ ਕਹਤੀ ਹੋ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣੂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਤਾ ਓਏ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਚਰੇ ਐਸੇ ਚਰੇ ਉਹ ਦੇਖੋ

फैज किसे ना पाया के करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया बीबी यही नहीं और सुनो कह रहे से मैं आंखें ही नहीं काफी बीबी उल्टा लटकोगे तो फिर सीधा दिखाई देगा आवाम तो बेचारी कब से उल्टी लटकी हुई है हमारी और फिर हम उल्टा लटके क्यों जी ओए घोड़े के बच्चे तुम्हारी बात नहीं थी पौने घंटे बाद उठे एक गल करके चौपी कराते